व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। ये देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में आप लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाएगी। आखिर क्या है ये बात? बात यहाँ पर ये है, बहुत सी ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन, ऐसी पोजिशन आप लोगों को लाइफ में एक टाइम पर आएगी, आप लोगों का समझ में नहीं आएगा कि उस टाइम पर आखिर ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है। यानी कि कोई भी अगर अनफॉर्चुनेट कंडीशन आप लोगों के साथ पास में कुछ होता है, आप लोगों के साथ में कुछ होता है, तो आप लोगों को ये लगता है कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। पर लेकिन उस टाइम पर आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे लाइफ में, वो चीज़ आप लोगों को समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि ये थ्योरी दी गई थी स्टीव जॉब के द्वारा, जो कि फाउंडर हैं एप्पल के, इनके द्वारा ये बोला गया था कि सिचुएशन उस टाइम पर कुछ भी हो, आप लोगों को बस अपने आप को संभालना है और ये बात मान के चलनी है कि हाँ ये मेरे फायदे के लिए ही यहाँ पे हो रहा है और फ्यूचर में इससे कुछ ना कुछ फायदा ही मिलने वाला है। यानी कि अगर अभी कुछ आप लोगों के साथ में हो रहा है, आप लोगों को एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जाम आप लोग क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोगों की लाइफ यहाँ पर खत्म हो गई है। एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में, एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, आगे चल के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, क्या मतलब है इसका? सारी फोर्सेज उनके अंडर में है अब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, और एक टाइम पर वो एक पायलट बनना चाहते थे, जो कि बस एक एयरफोर्स के अंदर एक ओनली एक सिंगल पर्सन एक पायलट होगा, और तीनों फोर्सेज के आज के डेट में वो एक तरीके से उनके कंट्रोल में है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर लाइफ में एक टाइम पर कुछ गलत हो रहा है ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है। तो यही बात बस ध्यान में रखनी है और उस टाइम पर पेशेंस रखना है, और आगे जैसे आप लोग फ्यूचर में चलेंगे और आप लोगों को फेलियर जो आप लोगों को लग रहा है कि आज फेल हो चुके हैं, वो आगे चल के आप लोगों के लिए एक पाथ बन जाएगा, एक सीढ़ी बन जाएगा कि हाँ उस टाइम पर यह होना जरूरी था, उस टाइम पर अगर नहीं होता तो हम इतने स्ट्रांग नहीं बनते, उस टाइम पर यह नहीं होता तो कुछ अच्छा नहीं समझ पाते, कुछ अच्छा नहीं सोच पाते, तो यहां से निकलकर वो बात आ रही है। तो इसलिए हमेशा लाइफ में आगे बढ़ती रहिए, जो हो रहा है उसको सहन करने की कोशिश कीजिए, जो हो रहा है उसको ये कोशिश कीजिए कि हाँ पेशेंस रखना है, आगे जैसे आप लोग बढ़ेंगे लाइफ में वो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे सही से कि हाँ ऐसा क्यों हुआ था उस टाइम पर, और ये आप लोग उस टाइम पर ये भी जरूर लगेगा कि उस टाइम पर ये सही था। ये बात बोली गई स्टीव जॉब के द्वारा अपने एक्सपीरियंस के साथ में, जो लाइफ में इन्होंने एक्सपीरियंस की है अपनी, तो उसके साथ में इन्होंने ये कनेक्टिंग द डॉट्स करके यहां पर थ्योरी दी थी। यूट्यूब पर एक छोटा सा लेक्चर भी है, फेसबुक पर मैं शेयर कर दूंगा उसको, आप लोग जाकर देख सकते हैं, आप लोग उसको समझ सकते हैं कि एक्चुअल में बोला क्या गया, एक छोटा सा स्पीच है इनके द्वारा। ओके, आज है संडे और संडे को होता है फंडे, और फंडे के साथ में थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं, इसीलिए संडे को जो लेक्चर होता है आप लोगों का थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा मूड रहता है, कुछ कई सारे काम करने होते हैं, तो हल्का सा आप लोगों का संडे में जो लेक्चर है वो लेट आता है। तो आप लोग भी इंजॉय किया कीजिए, थोड़ा सा संडे में अपने लिए टाइम निकाला कीजिए, संडे में आपको कम से कम एक मूवीज देखिए या फिर कहीं बाहर घूमने निकल जाइए, यानी कि पूरे वीक आप लोगों को शानदार तरीके से डेडिकेटेड होकर अपनी पढ़ाई करनी है, और संडे में अपने आपको थोड़ा टाइम देना है, जिस तरीके से आप लोगों को लाइफ में वो नहीं कहते हैं कि हाँ मशीन को जब काफी लंबे समय तक चला लेते हैं, थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए ताकि वो रिकवर कर सके, तो आप लोग इसे रिकवरी टाइम भी आप लोग मान सकते हैं, और फिर से अपने आप को वीक के लिए कंप्लीट काम करने के लिए एनर्जाइज करना है, तो ये आप लोगों का तरीका होना चाहिए लाइफ को लीड करने का। तो आइए आज का जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं वो करते हैं साइंस और टेक वाले पोर्शन के साथ में, और ये भी एक बच्चे के बर्थ के साथ में यहाँ पर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे ही जो माँ के पेट में बच्चा होता है ना, वो जो कनेक्ट होता है माँ के पेट में, तो ये एक इस तरीके का जो पैटर्न होता है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये रेड रेड जो पैटर्न है इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हम लोग जब बाहर रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं पीते हैं सारा जो बाहर से खुद हमको कोई ना कोई खिलाता है जब छोटे बच्चे होते हैं, और फिर हम अपने आप से करने लगते हैं, ये सारा काम प्लेसेंटा यहाँ पर करता है। क्या क्या काम करता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्या बात यहाँ पर की जा रही है। ये जो प्लेसेंटा होता है ये यूटेरस के अंदर जब प्रेग्नेंट होती है वुमेन, तो ये उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलता है बच्चे को जो ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह इसी के साथ में जो सारी जो भी चीजें हैं या फिर जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जो भी, वो सारा निकालने का काम भी यही करता है, और ये यूटेरस के साथ में यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो अभी यहाँ पर एक स्टडी निकल कर आई है जो यूके में हुई है ये स्टडी, और इस स्टडी के तहत यहाँ पर ये बोला गया है कि आज की डेट में भी जो प्लेसेंटा है उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे हम लोग और ज्यादा लेवल पर उसका अंडरस्टैंड कर सकें, तो उसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसके तहत यहाँ पर अभी बातें ये निकल कर आई है कि प्लेसेंटा बहुत शानदार एक तरीका, एक ऐसा आप लोग एक इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, मान लीजिए कोई महिला ऊपर गई पहाड़ों में गई पर्वत में गई, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पर प्लेसेंटा क्या है, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है बच्चे के लिए, वो कभी भी उसकी फीलिंग नहीं आने देता बच्चों की कि वुमेन कहीं ऊपर चली गई है और ऑक्सीजन की कमी है, हाई एल्टीट्यूड पर चली गई है, यानी कि वो एक बैलेंस इन्वायरमेंट बना के रखता है बच्चे के लिए, चाहे वुमेन वहां पर किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, अगर न्यूट्रिशन का लेवल भी कम रहता है तो उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करता है, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है ये बच्चे के लिए एक कवच आप लोग इसको बोल सकते हैं।
और ये बच्चे और जच्चा और बच्चा दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसीलिए देखिए कई बार ये माना जाता है, जिस तरीके से कई बार गांव में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉलेज होती नहीं है कई सारी चीजों की। अभी एक आर्टिकल आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहां पर भी प्रेगनेंसी के बारे में बात की जा रही है, किस तरीके से सोने खाने पीने इन सब चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो ये जो है यहाँ पर लंग्स, किडनी या फिर जो भी हमारी बॉडी में जो पार्ट होते हैं, वो सारा काम जो नॉर्मली बॉडी में ऑक्सीजन कहां से आनी है वो सारा काम करते हैं, ये सारा प्लेसेंटा ही यहाँ पर करता है, जो कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आप लोगों को देखने को मिलता है। और दूसरी बात यहां पर जिसको पावर देता है, ये माइटोकांड्रिया, ये वही माइटोकांड्रिया है जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा साइंस में, बोलते हैं पावर हाउस जो सेल का क्या होता है, तो माइटोकांड्रिया बोलते हैं जिसको आप लोग। यहां पर भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो प्लेसेंटा और माइटोकांड्रिया मिलकर पूरा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं बच्चे के लिए, किस तरीके से यहां पर बच्चे को क्या क्या यहां पर चीजें मिलनी चाहिए और किस तरीके से बच्चा एक हष्टपुष्ट बच्चा रहेगा। तो अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन वगैरह पूछे तो हल्का सा आप लोग आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। इसलिए खाना पीना सोना प्रॉपर वे में, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर हम लोग बात करते हैं प्रेग्नेंट महिला के लिए। अब यहां पर बात करते हैं, ये भी एक प्रेगनेंसी के बारे में यहां पर एक आर्टिकल आया, इसमें बात किया गया स्टिल बर्थ के बारे में। आखिर क्या होता है ये देखिए, अगर देखिए नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है, एक बोला जाता है कि एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एक बैलेंस आप लोगों को स्लीप लेनी चाहिए पैटर्न, थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो सारी बहुत ही रेगुलर चीजें हैं और बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट आप लोगों की लाइफ पे डालती हैं। इसीलिए बोला गया है अगर यहां पर 9 घंटे से ज्यादा कोई प्रेग्नेंट महिला सोती है तो जो डिलीवरी होती है वो एक प्रॉपर वे में डिलीवरी नहीं होती है। कई बार यहां पर प्रेगनेंसी लॉस भी हो जाता है, यानी कि बच्चा भी कई बार यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो जाती है। जो बच्चा होता है यहां पर कई बार जो पैदा होता है वो भी कई बार मरा हुआ पैदा होता है, कई सारी ऐसी बहुत ही गलत कंडीशन यहां पर होती है। तो कई एक बड़ा रोल एक पार्ट बोला गया यहां पर, ये एग्जैक्ट पार्ट नहीं है, एक हल्का सा पार्ट बोला गया है कि अगर 9 घंटे से ज्यादा कोई प्रेग्नेंट महिला होती है तो ये इस तरीके से भी यहां पर स्टिल बर्थ हो सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी का लॉस हो सकता है। स्टडी अभी की जानी है, 150 जो महिलाएं हैं उनके ऊपर अभी स्टडी की गई है, अभी फर्दर इसके ऊपर रिसर्च होगी, पर लेकिन अभी जो फिलहाल स्टडी हुई है ये यूएसए में, इसमें यहां पर ये सजेस्ट किया गया है कि देखिए नॉर्मली आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे बच्चा है माँ के पेट में, तो अब पूरा ये माँ के पेट पूरा यहाँ पर माँ से कनेक्ट है, तो जिस तरीके से यहाँ पर अगर माँ देखिए ज्यादा लंबे समय तक अगर सो रही है तो कहीं ना कहीं आप लोग इसको ऐसे देख सकते हैं उन्हें की स्टेबिलिटी में है शरीर, ठीक है, पर लेकिन ऐसा चलता फिलता रहता है इंसान, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है उसके, जैसे चलेगी फिरेगी तो क्या होगा ऑक्सीजन ज्यादा आएगी, कुछ खाना पीना जाता रहेगा, तो बच्चे को प्रॉपर वे में वहां पर एनर्जी मिलती रहती है। तो कहने का मतलब ये एक बैलेंस अगर आप लोग लेकर चले यहाँ पर, एक बैलेंस स्लीपिंग पैटर्न लेकर चले, हल्की फुल्की एक्सरसाइज और प्रॉपर खाना सोना, ये सारी एक बैलेंस होनी चाहिए, तो ये स्टडी छोड़ी निकल कर आई है। तो इसीलिए बोला जाता है देखिए कहीं ना कहीं इंसान को अगर इन सब चीजों के बारे में पता हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी प्रेगनेंसी हैं आज के डेट में जो लॉस हो जाती हैं, तो ये एक प्रॉपर वे में रख के यहां पर चली जा सकती है। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, तो उसके लिए काफी जरूरी है इन सब चीजों पर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अभी छोटी सी स्टडी है तो इसको ज्यादा वैसे माइंड नहीं करना, पर हाँ एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है और ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 2 तरीके से एक्सरसाइज होती है, एक तो आप लोग जिम में जाओ और वहां पर जाकर पूरी दबा के एक्सरसाइज करो, दूसरी ऐसा होता है कि जो आप लोग डे बाय डे के वर्क करते हैं, जैसे मान लीजिए घर में झाड़ू लगाना पोछा लगाना, ये भी कहीं ना कहीं आप लोग एक एक्सरसाइज में पैटर्न में मान सकते हैं। अगर आप लोगों का जो घर है वो दूसरी मंजिल पर तीसरी चौथी पांचवी पर है तो आप लोग सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, वो भी एक तरीके एक्सरसाइज है। तो ये जो स्टेयर क्लाइंबिंग की बात यहां पर की जा रही है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हम लोग अपनी लाइफ में इसको देखकर चले। तो एक तो हो गया आप लोग जाकर जिम में अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पर आप लोगों को दबा के एक्सरसाइज करनी पड़ती है, यानी कि सेट लगा लिया आप लोगों, आज बाइसेप के हैं कल ट्राइसेप्स के हैं परसों चेस्ट के हैं फिर थाइस के ले लिए, तो इस तरीके से आप लोग सेट वहां पर सेट लगाते हैं अलग अलग तरीके से। तो जो ये सेट होते हैं वो आप लोग कैसे करने होते हैं, आप लोगों ने मान लीजिए सेट लगाया रैंप लिया आप लोगों ने, एक बार 12 किए फिर 10 किए फिर 8 किए या फिर 16 का लिया पहले फिर आप लोगों ने 12 का लिया फिर 8 का लिया, जिस भी तरीके से आप लोग सेट लगाते हैं, 3-3 सेट लगाते हैं 4-4 सेट लगाते हैं, तो उनके बीच में आप लोग एक छोटा सा टाइम गैप देते हैं, यानी कि 40 सेकंड या फिर 50 या फिर 60 सेकंड का एक सेट के बीच में। पर लेकिन प्रॉपर वे में चीजें तब हो पाती हैं अगर आप लोग को ऐसे लेकर चलेंगे, तो यहां पर जिम की एक्सरसाइज हो गई। अगर मान लीजिए आप लोगों का घर है और वो 5वीं मंजिल पर है, मैं ये प्रिफर करता हूं, मैं अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करते चलता हूं, अपने खुद के एक रूल बनाइए लाइफ में थोड़े से, जिस तरीके से आप लोग देखिए, मान लीजिए आप लोग कहीं पर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी दूसरी जगह पर आप लोगों को मान लीजिए एक बिल्डिंग में जाना है और वहां पर 5 मंजिल तक जाना है और वहां पर लिफ्ट भी है आप लोगों के लिए, तो कोशिश ये कीजिए कि अपना क्राइटेरिया बना लीजिए। जैसे मैं क्या कोशिश करता हूँ कि 5 से अगर 7 तक की अगर कोई मतलब सीढ़ियां हैं तो मैं उसको यूज करने की कोशिश करता हूँ, अगर जाना है 15वीं 20वीं मंजिल पर तो फिर लिफ्ट का यूज करना है, ठीक है, यानी कि अपना एक क्राइटेरिया बना के रखिए। 5 से 10 तक की अगर कहीं पर है तो आप लोग सीढ़ियों से जाने की कोशिश कीजिए, एक शानदार तरीके एक्सरसाइज आप लोगों की हो जाएगी और ये काफी बड़ा रोल प्ले करती है आप लोगों की लाइफ में। और इस तरीके एक्सरसाइज अगर आप लोग घूमते फिरते हैं या फिर आप लोग घर पे बैठे रहते हैं तो सीढ़ियों से ऊपर नीचे चलिए 3-4 बार, तो आप लोग का
एक अच्छा सा एक एक्सरसाइज जो है वो आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए ड्यूरेशन पे होता है, अब जिम में जाते हैं हमारा रेगुलर करना पड़ता है, पर लेकिन ये ड्यूरेशन में होता है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहता है, हमारी बॉडी की पाचन शक्ति अच्छी होती है, तो बॉडी एक अच्छी साइकिल में आ जाती है। ये एक स्टडी की गई है कनाडा के अंदर, और ये स्टडी क्या है यार, ये तो आप लोग नॉर्मल लाइफ में खुद भी लेकर चलोगे, इंप्लीमेंट करके चलोगे, तो आप लोग एक प्रोडक्टिव साइड अपनी लाइफ की कर पाओगे यहाँ पर यूटिलाइज। तो घुमा फिरा के बात एक हो गई, लिफ्ट यूज करने से बचना है मिनिमम अगर 5 से 7 मंजिल तक आप लोगों को जाना है, या 5 से 7 या फिर आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, इसको 10 भी कर सकते हैं और या फिर कम भी कर सकते हैं, पर जो भी आप लोग करें वो कम से कम आप लोगों को याद रखना है कि हाँ इतना तो आप लोगों को करना ही करना है। ओके, बाकी यहाँ पर ब्रिटेन में एक छोटी सी स्टडी यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो इसमें क्या बात बोली जा रही है, इसमें बात ये बोली जा रही है, अगर बात करें यहाँ पर ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बारे में ब्रिटेन में, तो देखिए नॉर्मली आप लोग अगर पार्क में जाएंगे तो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो ये होते हैं जो कि अच्छे खासे कमाने वाले लोग होते हैं, मतलब हाई स्टैंडर्ड अपना लाइफ जीते हैं, और दूसरे होते हैं थोड़े गरीब टाइप के लोग होते हैं। तो नॉर्मली पार्क में आप लोग को ये इस तरीके के लोग मिलेंगे नॉर्मली बैठे हुए, यानी कि इनको ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं हायर इनकम और मोर एजुकेटेड जो लोग हैं वो आज के डेट में अर्बन स्पेस में जो ग्रीनरी है उसमें ज्यादा आप लोगों को जाते हुए नजर आते हैं एज कंपेयर टू जो लेस प्रिविलेज लोग होते हैं। तो कहने का मतलब यह कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि क्या जरूरी है, क्योंकि जो नॉर्मल इंसान है जो अपनी डे बाई डे की एक्टिविटी में ही लगा हुआ है, उसको खाने पीने से ही फुर्सत नहीं है कि कहां पर उसको खाने का जुगाड़ करना है, सुबह तो मिल गई शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो इंसान इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता है। तो ये एक बहुत बड़ी आप लोग बात बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, और एक लाइफ जीने का पैटर्न भी चेंज आप लोग काफी यहां पर नजर आता है लोगों के बीच में। आगे बात करते हैं यहाँ पर फिर से हेल्थ के बारे में। आप लोगों ने कई बार फिटनेस ट्रैकर यूज किया होगा, आप लोग रनिंग करने जाते हैं तो आप लोग वो छोटा सा बैंड जो होता है उसको पहन लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों का पूरा यहाँ पर डेटा तैयार हो जाता है। अब जो बात की जा रही है इसमें स्वेट यानी कि जो पसीना होता है उसको यहाँ पर फिटनेस ट्रैकर में यूज करने की बात की जाती है। फिटबिट या फिर एप्पल के सबसे बेस्ट फिटनेस ट्रैकर माने जाते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में और एडवांस टेक्नोलॉजीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि फिटनेस ट्रैकर जो है यहां पर आज के डेट में वो अब आपकी बॉडी के, अब तक तो क्या होता था मैकेनिकल चीजें होती थी यानी कि आपके हाथ में जो नक्स वगैरह है उसको देख के यहां पर, अब आपकी बॉडी से कनेक्ट यहां पर रहेगा, यानी कि आपकी बॉडी में से जो भी यहां पर जो पसीना निकलेगा उसी के साथ में जो उसके अंदर जो मिक्सचर होगा ग्लूकोज वगैरह जो भी चीजें उसके अंदर होंगी, कितना क्लोराइड है, वो सारी चीजें चेक करने के बाद में अब यहां पर यह फिटनेस ट्रैकर आप लोगों की चीजें बताएगा, यानी कि और ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली है आने वाले टाइम में। यह बात यहां पर बोली जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, तो एक अच्छी एक पहल आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं, एक अच्छा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगी अगर हम लोग कोई एक्सरसाइज वगैरह करने जाते हैं। तो आगे यहां पर बात की जा रही है एक बैक्टीरिया के बारे में, जो यहां पर ये बैक्टीरिया की एक स्ट्रेन आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसका नाम है एसिडिचिया कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, ECB भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये अभी जो रिसर्च निकल कर आई है ये नए निकल कर आई है, जो टॉक्सिक अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3, तो जो हमारी बॉडी में ये अमोनिया पाया जाता है ब्लड में ये काफी बड़ा इंपैक्ट डालता है यहाँ पर। तो अमोनिया कई बार जो ब्लड जो यहाँ पर हमारी बॉडी में अगर आप लोग देखेंगे ये कई बार ब्रेन डैमेज और डेथ का भी यहाँ पर रीजन बन जाता है अगर एक्यूमुलेशन अमोनिया का हमारी बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो यहाँ पर एस्चेरिचिया यहाँ पर ये कोलाई बैक्टीरिया जो यहाँ पर है ये कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं रोकने का काम करेगा, यानी कि जो टॉक्सिक अमोनिया है हमारी बॉडी में इसको क्लियर करने का काम करेगा ये। अब बात करते हैं इसको बोला क्या जा रहा है अगर यहाँ पर ये होता है, यानी कि जो ये इसको ब्लड ये इसको कम करेगा यहाँ पर, इसको जो बीमारी को बोलते हैं ब्लड में अमोनिया की अगर क्वांटिटी ज्यादा होती है हाइपर अमोनीमिया, तो ये अभी चूहे के ऊपर इसका टेस्ट किया गया है, तो यानी कि यहाँ पर ये फायदा देखने को मिला है और फर्स्ट फेज की जो क्लिनिकल ट्रायल है ह्यूमन के ऊपर वो भी यहाँ पर एक सही डायरेक्शन में चलती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर जो ये डिसऑर्डर होता है इसकी वजह से यानी कि जो एक्यूमुलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है जो हाइपर अमोनीमिया होता है इसको रोकने के लिए यहाँ पर ये काफी फायदा पहुंचाने वाला है। और इसी के साथ में एक आप लोगों को वर्ड और याद रखना है यहाँ पर, यह है सिरहोसिस, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर यही बात बोली जा रही है जिस तरीके से लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो आती है यहाँ पर उसको भी यहाँ पर सही किया जा सकता है, यानी कि ब्रेन का जो डैमेज होता है लीवर की जो प्रॉब्लम होती है जो हाइपर एक्यूमुलेशन ये अमोनिया का होता है उन सब में ये फायदा पहुंचाने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बैलेंस डाइट की बात मैं हर बार एक ना एक बार संडे को बोली देता हूँ एक ना एक किसी ने किसी टॉपिक में, तो अभी भी यहाँ पर यही बात की जा रही है। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कई सारी स्टडी की गई है, कई सारी रिसर्च सामने निकल कर आई है। देखिए 2 तरीके की बीमारी होती है हमारी बॉडी में, एक तो होती है कम्युनिकेबल डिजीज जिसको आप लोग बोलते हैं, कुछ ऐसी बीमारी जैसे मैंने आप लोगों को नॉर्मली एक उदाहरण देता हूँ, नजला आप लोगों को हो गया है तो ये बोला जाता है घर में किसी को है तो उससे थोड़ा दूर रहना क्योंकि एक तरीके से वायरल बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है, जल्दी आप लोगों को लग जाती है। इसी तरीके से अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर वगैरह हो गया, ठीक है, डायबिटीज वगैरह हो गया, ये ऐसा नहीं है कि एक के इंसान के हैं तो दूसरे को ये लग जाएंगे, तो ये इस तरीके से ये मैक्सिमम जो बीमारी होती है ये हम लोग को अपनी जो डाइट है उसकी वजह से यहां पर देखने को मिलती है। अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेकर चलते रहे और एक्सरसाइज प्रॉपर वे में चलते रहे लेकर करते चलते रहे तो ये कभी भी आप लोगों को बॉडी में नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए फोकस हमेशा ये रखना है बैलेंस डाइट, और इसी तरीके से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करते रहे तो बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइबर जो रेशे होते हैं यानी कि जैसे आप लोग खाते हैं कुछ भी इस तरीके से फल फ्रूट्स वगैरह या फिर नट्स वगैरह अगर आप लोग लेते हैं तो उनमें काफी अच्छी
क्वांटिटी में ये पाए जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, अपनी जो डाइट है उसमें सही लेवल पर फाइबर यहाँ पर होना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे सके और बीमारियों से हम लोग दूर रह सके, और जो हमारी पाचन शक्ति है पेट की वो भी अच्छी होनी चाहिए, और इन सब चीजों से काफी अच्छी बेहतर हम लोग को देखने को मिलती है। और जो हार्ट की बीमारी है या नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है उसको भी रिड्यूस करने में काफी बड़ा रोल प्ले करती है। तो कोशिश ये करनी है जैसे कि आप लोगों को 5 से 10 के बीच में जो भी आप लोगों को सूटेबल लगे, ठीक है, तो आप लोगों को बादाम भिगो लेने हैं, उसी के साथ में मुनक्खा वगैरह, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, मुनक्खा की जगह आप लोग वो भी डाल सकते हैं, किशमिश वगैरह, तो जो भी आप लोगों को सूटेबल लगे तो 10-10 दोनों डाल लीजिए, और खाली पेट सुबह को आप लोगों को ये खानी है, ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को जो भी करना है। तो अगर आप लोग ऐसा करना स्टार्ट करेंगे तो आपको कभी भी ये पेट की बीमारी नहीं देखने को मिलेगी। और इसी के अलावा जो ग्रेन्स होते हैं, यानी कि आप लोग इसे दलिया, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, दलिया आप लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो गेहूं से बना सकते हैं और दूसरा आप लोग ओट्स से बना सकते हैं। तो ओट्स आती है मार्केट में, पैकेट आता है, उसको डायरेक्ट लाकर आप लोग कुछ नहीं करना है, 2-3 चम्मच दूध में डाल दीजिए और उसको पका दीजिए, हल्का सा मीठा डाल दीजिए, काम आप लोगों का हो जाएगा। तो ये दोनों ही तरीके से आप लोग अपने पेट को एक मतलब एक तरीके से मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट आप लोग इसको लेंगे तो कभी भी आप लोग कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और ओट्स काफी अच्छा होता है, काफी आसानी से इसको पेट पचा भी लेता है, आप लोगों को हैवी भी नहीं लगेगा। तो एक स्टूडेंट के नाते ये आप लोग एक अच्छी छोटी सी डाइट, कुछ नहीं करना है ना कोई बनाना है, छोटा सा 2-3 चम्मच रखिए ओट्स और उसी के साथ में हल्का सा आधा गिलास दूध डालिए उसमें और चीनी डाल दीजिए, बस अपना काम खत्म, ठीक है, और पिज्जा ये काम खत्म हो गया। तो एक हल्का सा आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा, पिज्जा बर्गर चाउमीन समोसा इनसे आप लोग दूर भी रहेंगे, तो एक अच्छी एक डाइट हो जाएगी आप लोगों की। नेक्स्ट फिर से यहाँ पर हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। देखिए हेल्थ जो है आज के में बहुत बड़ा इशू बन चुका है, अगर आज के में कोई डॉक्टर है तो ये समझिए उसका फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है आने वाले टाइम में, और आके हो भी रहा है, इतनी ज्यादा बीमारी लगने वाली है जो लोगों का रहन सहन हो गया है। इंडिया की पोजिशन अगर हम लोग देखें हेल्थ के हिसाब से काफी गलत कंडीशन में हम आज के में कंडीशन में 73% जो डेथ आज के में हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हो रही है, और आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाली है 2020 तक। यानी कि जो आज के में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि जो हार्ट अटैक आ गया, ये कैंसर वगैरह हो गया, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, यानी कि जितने लोग मर रहे हैं उनमें से 73% लोग इन्हीं से मर रहे हैं, यानी कि और सारी चीजें अलग होगी, 73% इन सब चीजों से यहां पर जान जा रही है। और ये फास्टेस्ट, ये आज के में फास्टेस्ट ग्रोइंग आज के में हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है। टोटल अगर वर्ल्ड का देखें 49% यहां पर ग्लोबल बर्डन जो डायबिटीज का है वो हमारी कंट्री में है। हमारी कंट्री में लोग मीठे से इतना प्यार करते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूं जो कि मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं, तो डायबिटीज की जो बीमारी है यहां पर ये काफी प्रीवेलिंग है आज के में हमारी कंट्री में, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बोलता हूं मीठा कम खाओ, क्योंकि जिस दिन मैं कम कर दूंगा उस दिन मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगा कि मीठा कम खाओ। देखिए कम से कम ये चीजें सोचनी चाहिए हम लोग को, एक बैलेंस रखना चाहिए, हालांकि पहले से काफी कंट्रोल कर चुका हूं मैं इसको, पहले तो बहुत ही ज्यादा खाता था। आज की डेट में आप लोगों को देखना चाहिए, ये वर्ल्ड की बात की जा रही है, वर्ल्ड में ऑल ओवर वर्ल्ड में 50% जो डायबिटीज के मरीज हैं वो हमारी कंट्री में हैं। इसको आप लोग समझ सकते हैं कितना हम लोग मीठा प्रेमी है, ठीक है। इसके अलावा कैंसर की बीमारी करें उसमें सेकंड नंबर है हमारा, तो कैंसर की अगर बीमारी की बात करें यहां पर तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कंडीशन ऐसी आ चुकी है, आप लोग सोचें कि पॉलिसी बनाकर यहां पर आप लोग इनको सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो वो पॉसिबल आज के में नहीं है। थेरेपेटिक अगर ट्रीटमेंट अगर आप लोग बोले यहां पर ट्रीटमेंट से चीजों को हो जाएगा, यानी कि एक इनोवेटिव रिसर्च आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी। जैसे आज के में अगर आप लोग बात करें हमारी कंट्री में बहुत कम यहां पर इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे 0.9% ऑफ जीडीपी का हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते हैं, ये और ज्यादा होना चाहिए। यानी कि जब रिसर्च की बात की जाती है, डेवलपमेंट की बात की जाती है कि कोई बीमारी है उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, उसके इलाज की हम लोग बात करते हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए यहां पर। यानी कि कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस पर, कैसे हम लोग बीमारी को कर सकते हैं, पॉलिसी अपनी जगह है। आप लोग यहां पर मिड डे मील चला रखी है, आप लोगों ने यहां पर गेहूं वगैरह बांट रहे हैं, आप लोग ये इस तरीके जो फूड सिक्योरिटी वाली स्कीम ला रहे हैं, ये अपनी जगह समझ में आती है। पर लेकिन दूसरी साइड यहाँ पर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आप लोगों को लेकर चलना है, पॉलिसीज से आज के में काम नहीं बनने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो यही बात बोली जा रही है, आने वाले टाइम में 2000 अगर 50 की हम लोग बात करते हैं, 20% हमारी पॉपुलेशन जो होगी वो बूढ़ी पॉपुलेशन होगी, यानी कि एक तरीके से हमारी जो वृद्ध पॉपुलेशन होगी हमारी टोटल पॉपुलेशन का, तो उनको भी हम लोग को देखकर चलना है, कैसे हम लोग को ध्यान रखना है ताकि ये जो वृद्ध पॉपुलेशन है उसको भी और ज्यादा बीमारी आगे देखने को मिलेगी। तो अगर अच्छी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अच्छे यहां पर क्लिनिक अवेलेबल नहीं होंगे, अच्छे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होंगे, तो कंडीशन जो है हमारी जीडीपी पर और ज्यादा बर्डन यहां पर बढ़ने वाला है, क्योंकि कमाई जो होगी वो बीमारी में ही जाएगी, और जो कि एक तरीके से आप लोग वेस्ट उसको बोल सकते हैं। अगर हम लोग एक प्रिवेंशन पर फोकस देकर चलें तो हम लोग अच्छा रहेगा, अगर हम लोग बीमारी पर खर्च करेंगे तो मनी आप लोग एक तरीके से वेस्ट मनी उसको आप लोग बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी अगर रिसर्च और स्टडी की बात करें तो फिर भी हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने को मिल ही जाता है। अभी एम्स के द्वारा यहां पर एक स्टडी की गई है, उसमें यह बोला गया अगर कोई सोक आता है किसी भी तरीके से 12 घंटे पहले उसको बताया जा सकता है बॉडी में कि किस तरीके से कोई प्रॉब्लम होने वाली है, कुछ ऐसी एल्गोरिदम यहां पर देखने को मिल रही है। यानी कि जिस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा पुराने टाइम में कि ये एक हकीम टाइप का कोई आदमी है और वो नब्ज पकड़ के बता देता है कि बॉडी में कौन सा रोग है, तो उसी के बारे में आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो हमारी बॉडी में इस तरीके से पता लगाया जाएगा
मतलब सिस्टम के तहत, पल्स रेट के तहत, कि क्या बॉडी में कोई सोक आने वाला है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हार्ट अटैक जो आते हैं, इन सब चीजों की जो प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं पहले ही उसके बारे में हम लोग पता लगा पाएंगे और बहुत से लोगों को हम लोग बचा पाएंगे। तो एक अच्छी स्टडी आप लोग एम्स के द्वारा बोल सकते हैं। आगे बात करें अर्बेनाइजेशन के बारे में, क्या मतलब होता है इसका। मतलब इसका ये होता है, पहले अगर आज के डेट में कहीं पर आप लोगों को एक नॉर्मल तरीके से पेड़ पौधे दिखते थे, वहां पर खेत खलियान दिखते थे, आज के डेट में वहीं ना कहीं प्लॉट कट चुके हैं, कहीं पर बिल्डिंग बन चुके हैं, कहीं पर घर बन चुके हैं। तो ये आप लोग क्या देखने को मिलते हैं, ये घर जो बनते हुए जा रहे हैं आज के डेट में, जो कंक्रीट जो हम लोग रोड पर बिछाते जा रहे हैं, एक तरीके से पक्के घर सारे देखने को मिलते हैं। गाँव में भी पक्की रोड आज के डेट में हो चुकी है, फैसिलिटीज के लिए अच्छी है, पर लेकिन एनवायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को सही देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों ने क्या पढ़ाई होगा वैसे नॉर्मली आप लोगों ने ज्योग्राफी में आप लोगों ने एक तरीके से जो हमारी जो सूरज से हमारे पृथ्वी पर जो हीट आती है और कितना हम लोग यहां पर उसको एब्जॉर्ब करते हैं और कितना रिफ्लेक्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पर लेकिन एक परत आप लोगों को देखने को मिलती है, उसी में हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर हीट एक्यूमुलेट होती रहती है। तो इसी की वजह से देखिए, मान लीजिए आज के डेट में क्या है, अगर आप लोग एक तरीके से कहीं पर कच्चा है, ठीक है, बारिश होएगी तो पानी क्या होगा वहां पर, वाटर टेबल बढ़ेगा, अंदर जाएगा। पर लेकिन कच्चा नहीं है तो क्या होगा, वहां पर पानी नॉर्मली वाटर टेबल नहीं बढ़ पाएगी। इसी तरीके जहां पर पक्का है वहां पर क्या होगा, आप लोगों को सिटीज में, आप लोगों ने फील भी की होगी, एक सिटी में आप लोग कहीं पर है वहां पर और आप लोग गाँव में है, आप लोगों को एक सेम टाइम पर, जनवरी की बात कर लीजिए, फरवरी मार्च किसी महीने पर अगर बात करें, तो गाँव में आप लोगों को एक मौसम जो है वो ज्यादा सुहाना देखने को मिलेगा, गर्मी कम लगेगी एज कम्पेयर टू अगर सिटीज में जाएंगे। वहां पर जो सड़कें हैं वहां पर, उनमें से आप लोग देखेंगे वो तपती हैं, उनपे धूप पड़ती है, वहां पर जो बिल्डिंग्स है बड़ी बड़ी उनपे धूप पड़ती है। तो इस तरीके से एक बड़ा एरिया हो जाता है, यानी कि इस तरीके से समझिए, एक पार्क है, पार्क में सूरज की रोशनी पड़ रही है तो जमीन जमीन पर पड़ेगी, तो वो क्या होगा, एक फ्लैट सरफेस पर पड़ रही है। पर लेकिन अगर आप लोग बिल्डिंग बना देते हैं तो बिल्डिंग पर चार परत हो जाती हैं, यानी कि एक छोटी सी ग्राउंड में अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो ज्यादा सतह मिल जाती है धूप को पड़ने के लिए और वो ज्यादा रिफ्लेक्शन वहां से निकलने को देखता है और उसकी वजह से एक हीट आइलैंड बन जाता है। आज की डेट में देखने को मिला है अर्बन हीट आइलैंड बन गई है बहुत सारी सिटीज, तो किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो ऐसी स्टडी की बात की जा रही है। एक बात यहां पर यह बोली जा रही है कि देखिए, जो वेजिटेशन है और जो अर्बन एरिया में पेड़ पौधे हैं वो काफी कम होते जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो अर्बन एरिया है आज के में हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं और ऊपर से वहां पर जो गाड़ियां चलती हैं जो धुएं छोड़ती हैं वो सोने पर सुहागा हो जाता है वहां पर, वो और भी बुरी प्रॉब्लम कर देती है, यानी कि कंगाली में आटा गीला वाली कंडीशन आप लोग यहां पर उसको बोल सकते हैं। तो ये सिचुएशन आज के में ऑल ओवर वर्ल्ड आप लोगों को देखने को मिल रही है, ना कि इंडिया की बात की जाए यहां पर, ठीक है, हल्का सा आइडिया रखिएगा। आइए, ये था साइंस एंड टेक वाला पोर्शन, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं एक महागठबंधन, यहाँ पे सारे अपोजिशन वाली जो पार्टी हैं वो इकट्ठा हो चुकी हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल में और यहाँ पर बीजेपी को कैसे टैकल करके चला जाए उसके ऊपर फोकस देकर यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रखिए। एक महागठबंधन चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर जो इस तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिना कांग्रेस के चलने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, तो देखते हैं कहां तक चीजें किस तरीके से कंडीशन आगे बढ़ पाती है, तो आगे अच्छा टाइम आगे देखने को मिलेगा आगे जैसे भी चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये जो बोला जा रहा है कोज रूट ऑफ करप्शन हमारी सोसाइटी में, ये बहुत बड़ा रीजन है। एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा अमीर लोग और एक साइड में देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा गरीब लोग, तो अमीरी और गरीबी के जो बीच की खाई है कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि जो अमीर लोग हो चुके हैं वो बहुत सारे लोग करप्ट होकर करप्ट जो संगतियां पड़ के जाते हैं। आप लोग देखते हैं पॉलिटिशियन जब यहाँ पर फॉर्म भरने जाते हैं अपना इलेक्शन लड़ने के लिए फर्स्ट टाइम, उनकी संपत्ति कुछ और होती है और 5 साल के बाद में जो होते हैं 50 गुना उनकी संपत्ति हुई मिलती है, तो कहां से आ गई, ऐसा अलादीन का चिराग था उनके पास में जो उन्होंने घिसा और संपत्ति आ गई, नहीं, ये कंडीशन है करप्शन जो यहां पर देखने को मिलता है सोसाइटी में। और इसी के अलावा हमारी कंट्री का रैंक की बात करें 180 में से हमारी 81 पर है, यानी कि कोई ज्यादा अच्छी आप लोग नहीं बोल सकते। न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, ये यहां पर जो कंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, कनाडा, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, यूके, ये एक अच्छी कंट्री है, करप्शन बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री कहां पर है पोजीशन, हमसे नीचे कौन कौन सी कंट्री आप लोग देखते हैं लिस्ट, अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो यह मोरक्को, तुर्की, ये अर्जेंटीना, ये वाली जो कंट्री है ये आप लोग देखते हैं ये हमसे कहीं ना कहीं आप लोगों को नीचे देखने को मिलती है, और जो हमारे साइड में लगभग चाइना, साइबेरिया, ये सूरीनाम, तो ये कंट्री आप लोग देखिए, यानी कि कहने का मतलब ये है अगर अच्छी कैटेगरी में आना है तो हम लोग कहीं ना कहीं जो अमीरी और गरीबी की जो खाई है एक तो वो हम लोग को भरनी पड़ेगी और एक अच्छे लेवल का डेवलपमेंट हम लोग करना पड़ेगा खासकर इंप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तमाम बातें अगर हम लोग लेकर चलेंगे तो एक सही डायरेक्शन में हम लोग यहां पर चलते हुए नजर आएंगे। दो तरीके का डेवलपमेंट होता है, एक तो डेवलपमेंट ऐसा होता है कि आप लोग कहीं पर एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर पर जाइए वहां पर डेवलपमेंट कीजिए, यानी कि एक ब्लैंक एरिया में जाइए आप लोग वहां पर बड़े बड़े सामान कीजिए, बिल्डिंग बनाइए वहां पर, मेट्रो स्टेशन बनाइए वहां पर, अच्छे अच्छे कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स वगैरह बनाइए। एक ऐसा डेवलपमेंट है जैसा आज के में काशी में चल रहा है, बनारस में चल रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर क्या किया जा रहा है, वहां पर बहुत छोटी छोटी गलियां देखने को मिलती है आप लोगों को, एक तरीके से वो कल्चर है वहां पर, एक तरीके से उसको ऐसे देखा जाता है कि यहां पर कोई लोग देखने जाते हैं तो वाराणसी की, बनारस की वही एक तरीके से खूबसूरती है, छोटी छोटी
गलियां, गलियों में टेम्पल छोटे छोटे वहां पर, तो वो कंडीशन है, उसको तोड़ फोड़ के आज के डेट में वहां पर एक काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि बहुत सारे टेम्पल जो है वो तोड़े जा रहे हैं, इस तरीके से वहां पर उनको सफाया किया जा रहा है और वहां पर एक बड़े लेवल पर एक डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो ये बोला जा रहा है एक तरीके से कहीं ना कहीं जो हिंदू जो कल्चर है एक तरीके से उसको डिमोलिश यहां पर किया जा रहा है। तो यहां पर ये कई बार इसके ऊपर प्रेस टेस्ट भी यहां पर चल रहे हैं कि देखिए एक नेचुरलिटी है यहां पर, ये बहुत लंबे समय में आकर यहां पर बसाई गई है इस तरीके से। अगर आप लोग बोले कि यहाँ कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाए, यहाँ पर बड़ी बड़ी सारी चीज देखने को मिले, छोटी चीज की अपनी अंदर अलग खूबसूरती होती है, बड़ी चीज की अलग खूबसूरती होती है। आप लोग ये थोड़ी ना कि दोनों कंपेयर करके करके देख लिए आप लोग बस ऐसी यहाँ पर चीजें, यानी कि रोटी की अपनी जगह है, सब्जी की अपनी जगह है, सलाद की अपनी जगह है, और जो उसके साथ में अगर दही गुड़ आप लोग लेते हैं उसकी अपनी जगह है। ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग मतलब यहाँ पर रोटी से ही सारा काम चला लेंगे, हाँ भैया रोटी रोटी अच्छी है, सब्जी सब्जी अच्छी है। तो इस तरीके से हर एक चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए, और इसके ऊपर कई बार प्रोटेस्ट भी होते हुए दिख रहे हैं, पर लेकिन गवर्नमेंट ये सब चीजें सुनने के लिए तैयार यहां पर नहीं है और ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब 21 बांग्लादेशी हमारी कंट्री में थे, उनको डिपोर्ट किया गया है बांग्लादेश में, क्योंकि देखिए इलीगल तरीके से इनके द्वारा एंट्री की गई थी, इनके पास में पासपोर्ट, इनके पास में जो इनके पासपोर्ट वगैरह नहीं था, और वायलेशन जो किया गया था यहां पर पासपोर्ट एक्ट का वायलेशन यहां पर किया गया था। बाकी एनआरसी जो प्रोसेस हमारी कंट्री में चल रही है, नेशनल रजिस्ट्रेशन और सिटीजन की बात, वो आप लोग जानते हैं, वो आगे देखने को मिलेगा ऐसे हम उसको कैसे हैंडल करके आगे चलेंगे। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात आप लोग बोलते हैं एस्ट्रॉइड, चलिए क्वेश्चन बताइए, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट आप लोगों को देखने को मिलती है वो कौन कौन से जो प्लेनेट है उसके बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है। बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक एवरग्रीन क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं। अभी जो देखने को मिला है ये बोला गया कि लगभग कुछ टाइम पहले हमारी पृथ्वी पर, खासकर वो हमारी कंट्री में, खासकर साउथ रीजन में इंडिया के, तो ये बोला जा रहा है यहाँ पर एक एस्ट्रॉइड यहाँ पर आकर टकराया था साउथ इंडिया वाले रीजन में, और खासकर जो टाइम पीरियड है ये 800 मिलियन से 550 मिलियन तक के बीच का टाइम पीरियड बोला जा रहा है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये बात जो एग्जैक्ट लोकेशन है ये नीलगिरी से कोडाईकलन वाले एरिया के बीच में यहाँ पर बोला गया है, तो साइंटिस्ट अभी यहाँ पर इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पर इसको कावेरी क्रेटर भी यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, क्रेटर, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखेगा, ये साउथ वाले रीजन की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, स्वाइन फ्लू के बारे में। स्वाइन फ्लू कैपिटल में बोला जा रहा है रिसेंटली अभी दो डेथ हो गई इसकी वजह से, जो वायरल ये फैल रहा है यहां पर, कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो देखिए जो क्राउडेड प्लेस है वहां पर आप लोग जाने से बचिए, इसी तरीके से एक अच्छी स्लीप, अच्छा रेस्ट आप लोगों को लेना है, मतलब आप लोग मिनिमम 6 से 7 घंटे सोने की कोशिश कीजिए, 5 से 6 घंटे तो आप लोगों को एक एवरेज लेकर चलना ही चलना है। जो पर्सन सफर कर रहा है यहाँ पर उससे दूर रहने की आप लोग कोशिश कीजिए। इसी के तरह पब्लिक प्लेस में वहाँ पर थूकना, छींकना, खांसना, इन सब चीज़ों से, स्मोकिंग करना, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जो भी हाथ वगैरह है वो अपने हाथ वगैरह आप लोगों को धोने चाहिए, किससे हगिंग करनी है या किसी के साथ में गले मिलना, आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखकर कीजिए। अगर कोई बीमार आदमी है उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो ये बीमारी होती है काफ़ी खतरनाक बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जान भी आज में जा रही है। तो वही बात आती है निकल के, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये सब चीजों का आप लोग ध्यान यहां पर रख सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप लोग अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा तो आप लोगों को जागरूक होना ही होना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा डिजीज है जो कि एक आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात की जा रही है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारी कंट्री में नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा लॉन्च किया गया है। कहाँ पर ये देखने को मिला आप लोगों को, मुंबई वाले रीजन में। तो मुंबई वाले रीजन में यहाँ पर ये किया गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट यहाँ पर किया गया है। तो कंडीशन यहाँ पर क्या निकल के आती है, कंडीशन यहाँ पर सीधी सीधी ये निकल के आती है, आने वाले टाइम में फिल्म इंडस्ट्री पर फोकस देकर चला जाएगा। अगर यहाँ पर इसी के साथ में ये भी एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करने की बात की जा रही है, उनको कोई क्लियरेंस लेना है तो सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी कि एक ही जगह सब चीजों का क्लियरेंस मिल जाएगा। कहाँ पर कोई जाकर इनको कहीं पर जाकर रिकॉर्डिंग करनी है, कोई पर्टिकुलर एरिया इनको चाहिए वहां पर जाकर इनको अपनी शूटिंग करनी है, तो वो सब देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में एक बात और देखने को मिल सकती है आप लोगों को, देखिए जो हमारी कंट्री में या फिर आप लोग देखिए किसी भी कंट्री में जो मूवीज होती है ना वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होती है, यानी कि जो सोसाइटी होती है वो एग्जैक्ट मूवीज में दिखाई जाती है कि हाँ ऐसी है हमारी सोसाइटी, तो वो भी यहां पर आप लोग एक बात बोल सकते हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट की यहाँ पर बात की जा रही है, तो देखिए इंडिया और अफ्रीका पे फोकस दिया जा रहा है काफी। 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है यहाँ पर महात्मा गांधी जी की, और 100 जो बर्थ एनिवर्सरी नेल्सन मंडेला जी की आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से काफी कनेक्टिविटी है, इसीलिए 26 जनवरी जो अभी आने वाला है हमारी कंट्री में, सिरिल रामपोसा साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है वो हमारी कंट्री में चीफ गेस्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। पहले एक सरफिरे इंसान को बुलाया गया था जिसने मना कर दिया, ठीक है, एक अच्छा मौका था आने का उसको, इंडिया को देखने का, चलिए कोई नहीं, उसकी किस्मत में ही नहीं है लग रहा है। कौन है वो इंसान नीचे कमेंट बॉक्स में नाम बताइए। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात की जा रही है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बारे में। तो यहाँ पर ये फिर से सेकंड मीटिंग की बात की जा रही है फरवरी में, तो देखते हैं, उनकी फर्स्ट मीटिंग हो चुकी है ऑलरेडी। तो आगे देखते हैं, 12 जून को सेंटोसा आइलैंड सिंगापुर में है जहां पर उनके फर्स्ट मीटिंग अभी हो चुके हैं, और ये जो पूरा कोरियन पेनिनसुला है उसको डीन्यूक्लियराइज करने की बात करते हैं, तो देखते हैं इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
बाकी ये पांच न्यूज है जो वीक में काफी न्यूज में रही। एक तो साफ फैजल जो कि 10th रैंक थी इनकी 2010, वो फर्स्ट रैंक थी इनकी 2010 में, तो इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से और अब इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की बात की है। तो देखते हैं किस तरीके से इनका फ्यूचर निकल कर आता है, तो देखने वाली बात होगी यहाँ पर। नेक्स्ट, टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस दी, ऑस्ट्रेलिया को धूम चटा के आई है, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। इसी के अलावा यहाँ पर 15 जनवरी के एयरफेयर में मैक्सिको और यूएसए के बीच में जो बॉर्डर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर काफी जद्दोजहद देखने को मिली, उसके बारे में बात की जा रही है। सीबीआई आप लोग देख ही सकते हैं क्या क्या कंडीशन चल रही है, डे बाय डे यहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में एक छोटा सा पोर्शन है यहाँ पर। इसी के साथ में जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये की जा रही है बांदीपुर टाइगर रिजर्व के ऊपर से एक यहाँ पर एक एलिवेटेड रोड बनाने की बात की जा रही थी, तो वो भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी में था, तो इसके बारे में याद रखिए कहाँ पर ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये आप लोगों को कर्नाटक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। इसके अलावा आप लोग फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, बाकी यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, कई सारी जो पिक्स वगैरह यहाँ पर शेयर की जाती है। इसी के साथ में आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है, तो थोड़ा सा आप लोग इंजॉय भी कीजिएगा क्योंकि संडे है, तो थोड़ा सा फन मूड भी रखिएगा अपना। ये नहीं है कि बिल्कुल ही फन में आ जाए, हाँ बिल्कुल ही आज पढ़ाई नहीं करनी, आज तो संडे है भैया, तो बच्चों की हरकतें नहीं करनी आप लोगों, नाउ यू आर ए मैच्योर गाय, ओके, तो इसीलिए फोकस करके चलना अच्छे से। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।